हिंदुस्तानी संगीत से जुड़ी हर जानकारी प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल संगीत शिक्षा इन हिंदी। बेल आइकन को जरूर दबाएं हमारा हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संगीत शिक्षा हिंदी में। जैसे कि आपने थोड़ा सा देखा, मैंने आपको कुछ बजाकर सुनाया, लहरें के साथ मैंने आज आपको बजाकर सुनाया तीन तार। तो आज ट्यूटोरियल है लहरें के साथ तबला कैसे बजाएं, कैसे उसको सीखें, कैसे किसी ताल को बजाएं। तो अगर आपके पास लहरा बजाने के लिए कोई व्यक्ति है, जैसे दो तरीके हैं, मैंने कुछ लहरें की वीडियो बजाए थे, तीन ताल के, छप ताल के, एक ताल के, तो इनमें लहरें कैसे बजाए जाते हैं हारमोनियम से। तो अगर कोई बजाने वाला व्यक्ति है आपके साथ संगत के लिए तो आप कर ही लेंगे। और जैसे कि आप अकेले हैं, आप खुद स्वयं प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो लहरे का एक ऐप आता है लहरा स्टूडियो करके, अमन कल्याण जी का है, उसका रिव्यू मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा कैसे करना है। तो लहरे का ऐप आता है, उनके तीन टाइप्स हैं लहरे के ऐप के, लहरा स्टूडियो प्रो, लहरा स्टूडियो अल्टीमेट और लहरा स्टूडियो सारंगी। तो ये मैं यूज कर रहा हूँ लहरा स्टूडियो अल्टीमेट। तो इसके साथ इसमें सारी ताले हैं और इंस्ट्रूमेंट्स हैं और इसमें हारमोनियम भी है और स्केल भी आप चेंज कर सकते हैं, वो रिव्यू मैं आपको अलग बताऊंगा। फिलहाल वीडियो है कि लहरे के साथ तबला कैसे बजाएं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और आई होप यू विल लाइक इट। सो प्लीज़ शेयर इट, सब्सक्राइब इट, लाइक इट, कमेंट इट, और जो नए व्यूअर्स हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं लहरे के साथ संगत करना कैसे करते हैं। तो देखिए, जैसे कि ये मोबाइल ऐप है तो ये प्ले किया, ये चल रहा है। आपको डेफिनेट स्पीड इसमें सेट करनी है, जो भी आपको स्पीड चाहिए, जैसे मैंने 150 BPM कर रखी है। तो जैसे प्ले किया, अब आप इसे सुने पहले अच्छी तरह, ये सारंगी में बज रहा है। अब देखिए पहले आया, ये दुगुन की लय मैंने दिखाई है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर बिल्कुल ठा की लय चले, जो इसकी लय चल रही है वो देखिए कैसे चलेगी, धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा। देखिए ये हुआ, तो वैसे इसकी लय चल यही रही है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। और इसका टेम्पो आप सेट कर सकते हैं, स्केल सेट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने डी शार्प पे करा है, देखिए मेरा तबला भी उसी पे सेट है, आप इसे सेट कर सकते हैं, देखिए हल्का सा भी। तो देखिए बजाना कैसे, ये मैं आपको दिखाता हूं। ये कुछ मैंने आपको बजा के सुनाया बेसिक। उसके बाद अगर आप जैसे कुछ तिहाई बजाना चाहते हैं, कुछ भी जो भी मैटर आपने तैयार किया है, सब कुछ आप इस पे बजा सकते हैं, वो मैं धीरे धीरे आपको टूटल बताऊंगा। बेसिक आप पहले ठेका बजाना सीखें। तो देखिए जैसे कुछ तिहाई मैं आपको बजा के सुनाता हूँ,
मात्रा की दिहाई थी। तो आपको सुनना होगा कि इसके लहरे को कैसे बज रहा है, किस लय में जा रहा है। तो उस चीज के लिए आपको पहले अगर आपको समझ लेंगे लहरा क्या क्या किस तरह से बज रहा है, धिन धिन धा धा तिन तिन ता धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता धिन धिन धा धा। तो आप कुछ भी बजा सकते हैं। अब जैसे कि रूपक हैगा, मैं आपको रूपक बजा के सुनाऊं। ती ती ना धी ना धी ना 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 ती। इस तरह से बजा सकते हैं। उसी को सुनना आपको पड़ेगा अच्छी तरह, तब आप वो चीज कर सकते हैं। तो ये एक हल्का सा डेमोंस्ट्रेट था। सो आई होप यू विल लाइक इट। सो कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू। हैप्पी लर्निंग।